प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामावतार कांटीवाल, व्याख्याता अंग्रेजी, राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन के चलते हमारे विद्यालय ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। सबसे पहले हम 12th क्लास की इंग्लिश की सेकंड बुक पनोरमा का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये मेरी ओर से पहला प्रयास है। इसमें आपको कोई कमी दिखाई दे तो आप कमेंट अवश्य करें ताकि उसमें सुधार किया जा सके। आप अपनी बुक निकाल लें और मेरे साथ साथ पढ़ें। आज हम 12th क्लास की इंग्लिश की सेकंड बुक पनोरमा का फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग पढ़ेंगे। द टाइगर किंग, बाघ राजा। द टाइगर किंग एक हठी और वीर राजा की कहानी है। उसके जन्म के समय राज्य के महान ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इस राजा की बाघ के कारण मृत्यु अवश्य होगी। इसके पश्चात महाराजा ने बाघों का शिकार करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सनक के कारण अनेक निर्दोष बाघों की हत्या कर दी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जैसा होना होता है ठीक वैसा ही होता है। अंत में लकड़ी के बने एक छोटे से बाघ के कारण महाराजा की मृत्यु हुई, जिसने अनेक निर्दोष बाघों की हत्या कर दी थी और उसके हृदय में वन्य जीवन के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हीज हाईनेस जामेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्य व्याग्री सहारी, महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD ACTC और CRC के। उन्हें महाराज, जामेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्य व्याग्री सहारी, महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD ACTC या CRC के नामों से जाना जा सकता है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन इस नाम को अक्सर बाघ राजा के नाम से छोटा किया जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आपको ये है बताने के लिए आया हूँ कि वे बाघ राजा के नाम से प्रसिद्ध क्यों हुए। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विथड्रावल। मेरा सुनियोजित वापसी में केवल अंत की ओर बढ़ने का बहाना करने का इरादा नहीं है। इवन द थ्रीट ऑफ ए स्तूक बॉम्बर
विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, यहाँ तक कि स्तूप बम वर्षक की धमकी भी मुझे अपने मार्ग से भटका नहीं पाएगी। द स्तूप इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, स्तूप यदि वह चाहे तो मेरी कहानी से जल्दबाजी में पीछे की ओर धकेल सकता है। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, ठीक शुरू से ही बाघ राजा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण विषय को उद्घाटित करना आवश्यक है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. उसके बारे में पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनके अदम्य साहस वाले व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा करेगा, बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इस इच्छा के पूरी होने की कोई संभावना नहीं है। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अवॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, बाघ राजा समस्त जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पहुंच चुके हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उसकी मृत्यु का तरीका असाधारण रुचि का विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इसे केवल कहानी के अंत में प्रदर्शित किया जा सकता है। द मोस्ट फंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वाज दैट एज सून एज ही वाज बोर्न astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die. उनकी मृत्यु का सर्वाधिक शानदार पहलू ये था कि जो ही वे पैदा हुए, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन व्याघ्र राजा की वास्तव में मृत्यु होगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बालक बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होंठ चबाए, एंड सवेलव हर्ट और थूक गटका, वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, जब उन्हें बात को आगे जारी रखने के लिए बाध्य किया गया तो ज्योतिषियों ने आश्चर्यजनक बात कही। दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये एक रहस्य है जिसे बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, और फिर भी
हम कहने के लिए बाध्य हैं। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। इस ग्रह के प्रभाव में जन्मा बालक एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टू प्लेस। ठीक उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। एन अस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टेंडे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के होठों से आश्चर्यजनक शब्द निकले। ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओ, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफेक्शन। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य से जड़वत खड़ा रह गया। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। वे एक दूसरे की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे और पलकें झपका रहे थे। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हू स्पोक। अरे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओ, ये मैं था जो बोला। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इस बार संदेह के लिए कोई आधार नहीं थे। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 डेज अगो हु हैड इनन्शिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली। ये मात्र 10 दिन पहले जन्मा बच्चा ही था जिसने इतने स्पष्ट शब्द कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स। प्रधान ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा। एंड आवर गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। और बच्चे की ओर ध्यान पूर्वक एक टक देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। पैदा होने वाले सभी को एक दिन अवश्य ही मरना ही होगा। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट। यह जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। यदि आप उस मृत्यु का तरीका हमें बता सको तो इसमें कुछ समझदारी होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। छोटे से बच्चे ने अपनी छोटी सी तीखी आवाज में ये सब कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर placed his finger on his nose in wonder। प्रधान ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपनी अंगुली अपनी नाक पर रखी। ए बेबी बेरली 10 डेज ओल्ड opens its lips in speech। मुश्किल से 10 दिन का बालक बोलता है। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। ये बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी करता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स। वास्तविकताओं की बजाय युद्ध कार्यालयों से जारी किए गए समाचारों जैसा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज। प्रधान ज्योतिषी ने
अपनी अंगुली अपनी नाक से हटाई एंड आवर फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। और अपनी नजरें छोटे से युवराज पर गड़ा दी। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। राजकुमार वृषभ काल में पैदा हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज। वृषभ और बाघ शत्रु हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। इसलिए इसकी बाघ से मृत्यु होगी। ही एक्सप्लेन्ड उन्होंने समझाया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्वेक वेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। आप सोच सकते हैं कि जब युवराज ने व्याघ्र शब्द सुना तो वह कांपने लगा होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एज सून एज ही हियर्ड इट प्रनाउंस्ड जो ही उन्होंने ये कहे शब्द सुने द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रवल। युवराज ने गहरी घुरघुराहट निकाली। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स। उसके होठों से भय उत्पन्न करने वाले शब्द निकले। लेट टाइगर्स बिवेयर व्याघ्रे सावधान रहें। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। यह है विवरण प्रतिबंधपुरम में केवल एक अफवाह है मात्र है। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन आगे आने वाली समझ के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये कुछ सत्य पर आधारित थे। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाई डे। युवराज जंग जंग बहादुर दिन प्रतिदिन अधिक बड़ा और शक्तिशाली होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। पहले से ही वर्णित घटना को छोड़कर उसके बचपन के दिनों में अन्य कोई चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। बच्चा अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी। अंग्रेजी दहाई के द्वारा पालन पोषण हुआ था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन। और एक अंग्रेज अंग्रेजी में ट्यूशन देता था। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। अंग्रेजी फिल्मों के सिवाय कुछ भी नहीं देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से अन्य समस्त भारतीय राज्यों के राजकुमार किया करते थे। When he came of age at 20, the state which had been with the court of wars until then came into his hands। जब वह 20 वर्ष का हुआ तो राज्य जो तब तक कॉर्ट और वार्ड्स के अधीन था उसके हाथों में आ गया। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स
प्रिडिक्शन। लेकिन राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। अनेक लोग इस विषय पर विचार विमर्श करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स। धीरे धीरे यह बात महाराजा के कानों तक पहुंची। देर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम। उनमें बाघ थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। महाराजा पुरानी कहावत को जानते थे, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। आप आत्मरक्षा में गाय की भी हत्या कर सकते हैं। देर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। आत्मरक्षा में बाघों को मारने में निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। महाराजा बाघ का शिकार के लिए रवाना हुई। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। महाराजा ने जब अपना पहला बाघ मारा तो वे अत्यधिक रोमांचित थे। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने राज्य के ज्योतिषी को बुलवाया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। और उन्हें वह मृत जानवर दिखाया। बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट आपको कल दिया जाएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि वीडियो आते ही आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।